हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये वो फ्लावर्स है जिसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप गेस नहीं कर पा रहे तो मैं आपको बता दूँ कि ये सहजन मींस ड्रमस्टिक की जो फ्लावर्स है ना, देखा, ये वही हैं और आज की रेसिपी इसी से रिलेटेड है। तो इनको कैसे साफ़ करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। सिर्फ ये जो फ्लावर्स हैं ना, यही लेने हैं। ये देखिए फ्लावर्स, और इस तरह की छोटी छोटी ऐसे रहेंगे, बस इनको ले लीजिए और साफ़ करके एक बोल में रख लीजिए। उसके बाद हल्का सा गर्म पानी कीजिए और उसके अंदर इन फ्लावर्स को ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे बॉईल कर लीजिए लो फ्लेम 10 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए, इनका जो कच्चा फ्लेवर है ना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हाथों से अच्छी तरीके से वाटर को ड्रेन कर लीजिए। ठंडा होने के बाद हाथों से निचोड़ कर बाकी का पानी भी फेंक दीजिए, साइड रख लीजिए। उसके बाद थोड़े से प्याज चॉप कीजिए, थोड़ी सी हरा धनिया, थोड़ी सी कड़ी पत्ता चॉप कीजिए, थोड़ी सी हरी मिर्ची को चॉप कीजिए और साइड में रख लीजिए, थोड़ी सी जीरा। जिस बोल में हमने सहजन की फ्लावर्स बॉईल करके ली हुई है ना, उसी में हम इन सभी को ऐड कर लेंगे। जीरा, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता, प्याज, हरी मिर्ची, इन सबको ऐड करने के बाद हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े सूखे मसाले, जिसमें है लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और जाएगा इसमें थोड़ा सा बेसन। उससे पहले आप इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिला लीजिए, ताकि नमक जो है हर तरीके से इवेनली मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए, आपको कितना चाहिए। ये देखिए बेसन लिया है मैंने, और इसे ऐड करके मैं अच्छी तरीके से बैटर तैयार कर लूँगी। बैटर बिल्कुल भी पतला और मोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे वड़ा बनाते हैं ना उसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। ज़्यादा वाटर से मिक्स मत कीजिए, मैंने यहाँ बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं किया है जैसा कि आपने देखा वीडियो में। तो तेल थोड़ा गर्म कर लीजिए। तेल गर्म होने के बाद इस देखिए इस तरीके से बैटर को थोड़ा सा हाथ में लीजिए। लेने के बाद इसे अच्छी तरीके से फ्लैट कर लीजिए और उसके बाद तेल में छोड़ दीजिए। अब इन पकौड़ियों को, या फिर वड़ा कह सकते हो आप, इन सबको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से दोनों तरफ फ्राई कर लीजिए। लो फ्लेम पे बिल्कुल से फ्राई मत कीजिए। ऑलरेडी जो फ्लावर है उसे हमने बॉईल कर लिया है, तो बहुत आसानी से फ्राई हो जाएंगी और बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पर आप आराम से फ्राई कर सकते हो। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने ये रेसिपी कभी ट्राई की है या नहीं। और आपको पता है कि सहजन की पत्तियों में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उसी तरीके से सहजन में, ड्रमस्टिक में या उसके फ्लावर में भी उसी तरह के बहुत सारे गुण और प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये रेसिपी ट्राई कीजिए और इन्जॉय करें इस पर विंटर में अपनी फैमिली के साथ। रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करना बिल्कुल फ्री है, तो आप बेफिक्र होकर लाइक का बटन प्रेस कर सकते हैं। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।